माना जाता है कि मैं हरियाणा में पैदा हुआ था। माना जाता है? जब मैं पैदा हुआ तो मेरी दादी ने दाई को 11 रुपए देने चाहे, दाई ने मना कर दिया। दादी बोली नहीं, 11 रुपए तो लेने ही पड़ेंगे। दाई ने बिल्कुल इनकार कर दिया। दादी बोली नहीं, 11 रुपए तो बनते ही हैं। दाई बोली रहने दो ना जी, ये हुआ ही क्या है। बहुत अच्छे सुनील। मैं तो कल मुंबई आया तो एक शॉपिंग मॉल में गया, तो वहाँ आप लिफ्ट से ऊपर जाते हैं तो आप लिफ्ट वाले से पूछते हैं क्या है? लिफ्ट ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है? तो मैंने लिफ्ट वाले से पूछ लिया, वो हरियाणा का था। मैंने उससे पूछा लिफ्ट ऊपर जा रही है क्या? उसने मुझे ऊपर से लेके नीचे तक देखा, बोला इतनी ऊपर भी ना जा रही जितनी तुझे जल्दी है। वाह सुनील वाह। ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। मैं तो सर पिछले दिनों गोवा गया। अच्छा। तो मैं एक टैटू बनवाने वाले के पास चला गया। तो मैंने उसे कहा कि मेरी सुडोल भुजा पर शेर का टैटू बना दो। सुडोल भुजा पर? तो उसने मेरी भुजा का गहन निरीक्षण किया, बोला सांप का बनेगा, वो भी लेटा हुआ सांप, फन उठाने की भी जगह नहीं। राधे श्याम जी ने बड़ी पारिवारिक बातें की, मैं भी दूसरी शादी करने का विचार कर रहा हूँ क्योंकि पहली शादी की उम्र तो निकल चुकी है। अरे बहुत बड़े सुनील, अरे बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया सुनील, वाह वाह। इश्क में तो हम निकम्मे रहे, तो मैंने सोचा कि भारत की सेना में भर्ती होने जाओ। तो एक कविता देखिए कि मैं भारत की सेना में भर्ती होने के लिए गया तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। कि बेशक मेरी देह में दम नहीं है, बेशक मेरी देह में दम नहीं है, मगर देश पर मर मिटने का जज्बा आप लोगों से कम नहीं है। क्या बात। मगर देश पर मर मिटने का जज्बा आप लोगों से कम नहीं है। मैंने देश की सेना में भर्ती होने का विचार करा और झट फार्म भरा। अब इंटरव्यू में एक हरियाणवी कर्नल ने मुझसे सवाल किया, वो कर्नल ये राधेश्याम जी की तरह ही थे, इनको गौर से देखो। एक हरियाणवी कर्नल ने मुझसे सवाल किया, बोला तेरा वजन कितना है? मैंने कहा थारी बंदूक से घना है। वो बोला ठीक कहता है, बात में तेरी दम है, अरे ढील ढोल में के तू बंदूक से कम है। ढील ढोल में क्या तू बंदूक से कम है। उसने कहा तुम अपने जीवन में कोई बहादुरी का किस्सा सुनाओ। मैंने कहा ले बताओ, मैं जी रहा हूँ। बहुत बढ़िया सुनील, बहुत अच्छे। अपने जीवन में कोई बहादुरी का किस्सा सुनाओ। मैंने कहा मैं जी रहा हूँ, ये क्या कम बहादुरी है। उसने कहा तुमने अपने जीवन में किसी से प्रेम तो नहीं करा है, क्योंकि प्रेम का चक्कर जवानों के लिए बहुत बुरा है। प्रेम का चक्कर जवानों के लिए बहुत बुरा है। मैंने कहा एक बार किया था, एक बार भरी दोपहरी में मैंने वो गले लगा ली। एक बार भरी दोपहरी में मैंने वो गले लगा ली। मैंने पूछा तुझे मुझसे लिपट कर कैसा लग रहा है, तुझे मुझसे लिपट कर कैसा लग रहा है। वो बोली ऐसा लग रहा है जैसे लकड़ियों में पड़ी हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे लकड़ियों में पड़ी हूँ। बस उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि ये लकड़ी प्रेम की आग में नहीं जलानी है, बल्कि देश के लिए काम में लानी। वाह वाह। ये लकड़ी प्रेम की आग में नहीं जलानी है, बल्कि देश के लिए काम में लानी है। मेरी बातों से भावुक होकर कर्नल ने मुझे सेना में भर्ती कर लिया। मेरे सेना ज्वाइन करते ही दुश्मन ने सीमा पर अटैक कर दिया। मेरे सेना ज्वाइन, मेरा डर देखिए, मेरे सेना ज्वाइन करते ही दुश्मन ने सीमा पर अटैक कर दिया। सीमा पर गोले और टैंक चल रहे थे, सब अपने अपने मोर्चे संभाल रहे थे। मैंने भी अपनी पोजीशन संभाली और सारी बंदूक दुश्मन पे कर दी खाली। बात मेरी बिल्कुल साच है, कोई मरा नहीं अलग बात है। बात मेरी बिल्कुल साच है, कोई मरा नहीं ये अलग बात है। मुकाबला करते करते मैं दुश्मन ने धर लिया और अपने कब्जे में कर लिया। वे मुझे अपने खेमे में पाकिस्तान ले गए। अब उनके कर्नल ने पूछा, रे सिपाही यो किस प्राणी ने पकड़ लाए।
है सिपाही जो किस प्राणी ने पकड़ लाए, उनके सिपाही ने कहा जी कल रात जब मैं सीमा पर घुसा था तो यो अपनी बंदूक का लिपटा बेहोश पड़ा था। जो अपनी बंदूक का लिपटा बेहोश पड़ा था, उनके कर्नल ने कहा कि तुम अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मुझे कश्मीर पे कब्जा करने की खुफिया जानकारी दे दो। अब मेरा वीर रस का कवि देखिए सर, तुम कश्मीर पे कब्जा करना चाहते हो तो खुफिया जानकारी दे दो, नहीं तो हम तुझे यहीं दफना देंगे। मैंने कहा अगर तुम कश्मीर पे कब्जा करना चाहते हो तो हमारी सुहागिनों को कहो कि हमारे सुहागों को ना भेजे देश पर होने को कुर्बान। हमारी सुहागिनों को कहो कि वो सुहागों को ना भेजे देश पर होने को कुर्बान। हमारी माओ से कहो कि वो ना जने भगत सिंह से अमर जवान। तुम जो सोचते हो कि कश्मीर हथिया लोगे चंद मानव बम भेजकर, अरे सोचना है तो ये सोचो अगर हमने भी मानव बम बनने के लिए ठान तो नक्शे में कहाँ होगा पाकिस्तान। वाह 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 वाह, तो नक्शे में कहाँ होगा पाकिस्तान। ये सुनते ही उस कर्नल की चूड़ी ढीली हो गई। ये हरियाणवी मुहावरा है। ये सुनते ही उस कर्नल की चूड़ी ढीली हो गई, साथ में उसकी पतलून भी गीली हो गई। धीमे से उसने मेरे कान में कहा भाई जान हम भी कहाँ मरना चाहते हैं, भाई जान हम भी कहाँ मरना चाहते हैं, पर ये हमारे मुल्क की सरकार जिन्हें कुर्सी और वोटों की है दरकार, देश को बना डाला है जिसने तंदूर और जिसमें झोंके जाते हैं मेरे जैसे लंगूर। वाह भाई साहब, जहाँ आम आदमी दो वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पाता है ऐसे में भला, और युद्ध कहाँ चाहता है ऐसे में भला। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे क्या देख रहे हैं, मैं तो प्रेम का पिटा पिटाया कवि हूँ। तो साहब दो शेर सुन लें। कि तेरे भी पास है मेरे भी पास है, ऐसे ज्यादा गंभीरता से मत सुनना, मजा आएगा। कि तेरे भी पास है मेरे भी पास है, जिंदगी दर्द का एक उपन्यास है तेरे भी। अब मजा तब आएगा। कि मैंने उससे कहा बाहों में आओ ना, कि मैंने उससे कहा बाहों में आओ ना, उसने ना कह दिया बोली उपवास है। कि उसने ना कह दिया बोली उपवास, बोली उपवास। हमने भी सोच लिया सत्यानाश। तो साहब संभव भाई साहब, सबकी प्रेमिका है, सबकी प्रेमिकाएं जो होती हैं वो गोरी होती हैं, और मेरी प्रेमिका जो है वो सांवली है। अच्छा, तो आप तो एक गीत पहुंचाना चाहता हूँ, सुनिएगा। अच्छा, सबकी प्रेमिका गोरी होती है, क्या तथ्य हुआ समझ में नहीं आया भाई साहब। मेरे को तो जिस तरह की मिली है उसको देखने के बाद सबकी गोरी लगती है। तो क्या स्थिति है, आप एक प्रेम का अच्छा सा गीत आप तक पहुंचाता हूँ। कि सुनो सांवली लड़की तुम्हारा दिल हमारा है, सुनो सांवली लड़की तुम्हारा दिल हमारा है, तुम्हारे होंठ के नीचे, तुम्हारे होंठ के नीचे वो काला दिल हमारा है, सुनो सांवली लड़की तुम्हारा दिल हमारा है, तुम्हारे होंठ के नीचे, तुम्हारे होंठ के नीचे वो काला दिल हमारा है, सुनो सांवली लड़की तुम्हारा दिल हमारा। अगर तुम राधिका सी हो, अगर तुम
सांवली लड़की तुम्हारा दिल हमारा है। ओ भाई साहब, मेरे लिए मेरी प्रेमिका क्या है, आप तक पहुंचाता हूँ। कि खजुराहो के मंदिर तुम, कि खजुराहो के मंदिर तुम, तुम्हें मैं पूजना चाहूँ। कि खजुराहो के मंदिर तुम, तुम्हें मैं पूजना चाहूँ। बड़ी उलझी पहेली हो, बड़ी उलझी पहेली हो, तुम्हें मैं पूजना चाहूँ। सुनो रावली लड़की, सुनो रावली लड़की,